हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, थर्ड पार्टी यहाँ पर क्यों दुखी है? थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर, उसकी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। कुछ तो इसके साथ में चल रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी जो है अभी क्या याद कर रही है, क्यों दुखी हो रही है ये थर्ड पार्टी, किस बात के लिए थर्ड पार्टी थोड़ा सा उदास हो रही है, क्या बिगड़ रहा है इसकी जिंदगी में, क्या इसकी लाइफ में हो रहा है, तो किस दर्द में है ये थर्ड पार्टी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी को किस बात का दर्द हो रहा है, किस दर्द में है ये थर्ड पार्टी। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर किस दर्द में है, क्या ये एनर्जी क्यों मिल रही है मुझे, किस दर्द में है ये थर्ड पार्टी, इसको क्या तकलीफ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी तकलीफ क्या है, ताकि उसकी तकलीफ के जरिए हम अपने आपके पार्टनर के दिल के जज्बातों को फील कर पाएंगे, आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स को हम फील कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है डियर, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बार बार निकल रहा है ये कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और डियर यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है, सिक्स ऑफ वॉन्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो खत्म हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के हाथों से चीजें जो है खत्म हो रही है। तो ये डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि सब उलट पुलट हो गया है इसकी जिंदगी में, सारी सिचुएशन खराब हो गई है, ऐसा दिख रहा है कि सब बिगड़ गया है इसके काम, जो काम ये कर रही थी, जिन चीजों का इसको मतलब होता है ना कि नतीजे का इंतजार होता है इंसान को, तो इसके सारे नतीजे फेल हो गए, इसके सारे नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है इस थर्ड पार्टी की डियर। देखिए, थर्ड पार्टी का सब कुछ उलट पुलट हो गया है जिंदगी में, सब कुछ ऐसे हो गया है कि इसके जो दिक्कतें है ना वो बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। दर्द आ गई है डियर थर्ड पार्टी, दर्द, इसका दर्द मुझे दिख रहा है, किसी बात का दर्द इसको बहुत ज्यादा हो रहा है ये थर्ड पार्टी को, कुछ किसी चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा दर्द में है, थोड़ा सा परेशान है। कहते हैं ना, डेथ वाली सिचुएशन आ जाए तो इंसान कितना दर्द में होगा, कितना उसको अपने जीवन का ऐसा लगेगा अंत हो रहा है मेरे जीवन में, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि अंत इनके जीवन में कुछ ऐसे हो रहे हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी बुरी तरह से परेशान होती हुई दिख रही है। पास्ट, जब इंसान के जीवन में बुरे कर्म आते हैं या बुरी चीजें आती है ना, तो अच्छे पलों को, पास्ट की कुछ यादों को याद करता है, तो वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि उलझने यहाँ पर उलझती हुई दिख रही है, सिचुएशन बहुत खराब दिख रही है इस थर्ड पार्टी की। किसी ने धोखा दे दिया यार इस थर्ड पार्टी को, तो किसी ने बड़े दर्द के साथ में इसको उलट पुलट कर दी है इसकी जिंदगी, इसीलिए ये इतनी परेशान और दुखी हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी के जो अरमान थे, इस थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स थी, हार्ट ब्रोकन वाली हो गई है। तो इस थर्ड पार्टी को तो किसी ने जबरदस्त ऐसा कर दिया कि शायद कुछ छीन लिया है इसके जीवन से, जो भी ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही थी वो सब रिवर्स हो गया। अब समझ सकते हैं, सब कुछ रिवर्स हो गया डियर इसके जीवन में, है ना। इसकी जो नींदे हैं वो उड़ी पड़ी है, इसने जो मैनिफेस्ट किया था वो हुआ ही नहीं काम, तो ऐसी हालत में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, जगल कर रही है, इसके जीवन में जो बैलेंस था, जो चीजें थी, वो सब खत्म हो रहा है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इसके जीवन में सेवन सेवन की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, धोखा धोखा धोखा, चिटिंग यही नजर आ रहा है, धोखा चिटिंग यही नजर आ रहा है यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में चीजें जो है खराब हो रही है, बहुत ऐसा लग रहा है जिंदगी है ना जहन्नुम बन गई है इस थर्ड पार्टी की। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ जहन्नुम बन चुकी है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, एक तरह से इसका लाइफ जो है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट आ गया है, एक ऐसा टावर शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो थर्ड पार्टी के जीवन में टावर दिखाई दे रहा है। और डियर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, थर्ड पार्टी लोगों पर नजर रख रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्पाई कर रही है,
देखने की कोशिश कर रही है, चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, बहुत हिडन एनर्जी में दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। ओके चलिए फोकस करते हैं कार्ड के ऊपर, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सके कि क्या कार्ड्स आए हैं। साइन आपको मैं बताना चाहूंगी, मेजर अरकाना से मेरे पास में जो कार्ड्स है उसमें डेथ की एनर्जी है जो वेरी स्ट्रांगली निकल के आ रही है। हालात बहुत खराब है। और डियर यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है, एरीज दिखाई दे रहा है और लियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। उसके बाद में डियर एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, और सबसे ज्यादा जो हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की है। ओके और यहाँ पर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के बाद में हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी बहुत है। डियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की जिंदगी जो है पलट गई है पूरी तरह से, उलट पुलट जो हुआ है ना, दर्द इसको हो रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी हार जाएगी, किस्मत के आगे हार जाएगी, और कहीं ना कहीं किस्मत का दर्द इसको बहुत हो रहा है कि ये ऐसा सोच रही है कि कहीं इसकी किस्मत में बुरी चीजें तो नहीं लिख दी गई है। तो उस चीज को सोचकर ये थर्ड पार्टी जो है परेशान हो रही है। थर्ड पार्टी जो खेल खेल रही थी, खेल खेलने में लगी हुई थी ना, जिसे वो सोच रही थी कि ये किसी की जिंदगी से मजाक करना, किसी की जिंदगी के साथ में खेलना आसान बात होता है, तो थर्ड पार्टी के खेल समझने लगे हैं लोग भी अब, और जान गए हैं कि ये थर्ड पार्टी किस हद तक जा सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को वो खेल खेलना भारी पड़ गया है, क्योंकि इनके ही जीवन में किसी ने ऐसा धोखा दे दिया है, इनके जीवन में किसी ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है जहां पर ये थर्ड पार्टी के जीवन में उतार चढ़ाव आ गए हैं, है ना। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया था, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट करवा दिया था, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बड़ी झगड़े की वजह बनी थी, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जो चीजें खराब हुई, जो सिचुएशन खराब हुई, जो हालात खराब हुए, उन सब की जिम्मेदारी ये थर्ड पार्टी है। आज थर्ड पार्टी को बहुत सारे दौर ऐसे देखने पड़ रहे हैं जहां शायद इस थर्ड पार्टी को अपना कर्मा याद आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में धोखे हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ धोखा इसको झेलना पड़ रहा है। तो थर्ड पार्टी के जीवन में बहुत बड़ा धोखा इसको देखने को मिला है। और डियर आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी ने आग लगाई थी, आपके जीवन में, आपकी दुनिया में जो थर्ड पार्टी ने आग लगाने की जो गुस्ताखी की थी, आज इसके जीवन में किसी ने आग लगा दी है, और इस आग लगने के कारण इसके जीवन में टावर मोमेंट आ गया है। शायद इसका पार्टनर जो है इसको छोड़ दिया है, या फिर इसके एक्स ने इसकी बैंड बजा रखी है। ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी का जो भी प्यार था किसी और के साथ में, या ये आपके पार्टनर के साथ में कुछ खेल तमाशा कर रही थी, तो वो सारे इसको भारी पड़ने वाले हैं खेल तमाशा करना। और डियर आप दोनों के बीच में जो इसने आग लगाई, आप दोनों के बीच में जो इसने झगड़े लगाए, वो सब इसको भारी पड़ गया है। अब इसको दर्द फील हो रहा है, इसको तकलीफ फील हो रही है, दर्द इसको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत बड़ा यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई है। यूं दिखाई दे रहा है कि इसके जीवन में बहुत बड़ी शिफ्टिंग आने वाली है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव इसके सामने आने वाला है। ये कंफ्यूज हो जाएगी कि अपने जीवन का रास्ता कहाँ चुने, कैसे चुने, कैसे आगे बढ़े, चीजों को कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो चाहते थे वो इस थर्ड पार्टी ने कभी होने नहीं दिया। ये थर्ड पार्टी हमेशा आप दोनों के बीच में रुकावट बनकर आई, हमेशा इसने आपके और इनके प्यार के बीच में रुकावटें डाली। थर्ड पार्टी जो थी वो टावर मोमेंट लेके आई थी डियर, और थर्ड पार्टी का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि साजिश तो इसने आप दोनों को अलग करने की है, और इसके साथ में आपके घर के जो मेंबर्स थे वो मिले हुए थे इस थर्ड पार्टी के साथ में। ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, जिसने आप दोनों के रिश्तों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करी है। तो ये टावर मोमेंट इस थर्ड पार्टी को बहुत नजदीक से देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इसके जीवन में ऐसे सिचुएशन आ गए हैं, ऐसे हालात आ गए हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी
का दिल जो है वो काप रहा है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी दिल ही दिल में चीजों को लेकर जल रही है, जलन इसको हो रही है, कुछ कर्मा ये भुगत रही है, कुछ हालात ये परेशान हो रही है। मतलब होता है ना कि इंसान पुकारे तो किसको पुकारे, इतनी तकलीफों में ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पुकारे भी तो किसको पुकारे, ऐसे हालात इस थर्ड पार्टी के हो गए हैं डियर। और थर्ड पार्टी की चाहत यहाँ पर बहुत बुरी हो गई है, जो चाहती थी ये वो इसे मिल नहीं पा रहा और इसका दिल अब कहीं पर लग नहीं पा रहा। सबसे पहले तो डियर इसके दिल का जो हाल है वो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जिससे ये प्यार करती थी उसने इसके दिल को ठेस पहुंचा दी है। जिससे भी ये प्यार करती थी, एक तो आपके पार्टनर को पोपट बनाया था, एक तो आपके पार्टनर के अलावा किसी और को ये अपनी जिंदगी में उलझा रखी थी, तो उस जगह पे अंधेरे ही अंधेरे इसके जीवन में आ गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा इसकी लाइफ में मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी का कि थर्ड पार्टी अब किसी से बात करने के मूड में नहीं है। थर्ड पार्टी को कुछ चीजें मतलब होता है ना कि जीने नहीं दे रही है, कुछ बातें ऐसी इससे हो गई है, कुछ गलत चीजें इससे हो गई है कि इस थर्ड पार्टी को जीने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है। तो ये अपने आप में टूटा टूटा फील कर रही है, कभी इसका मन करता है कि ये अपने आप को खत्म कर दे, कभी इसका मन करता है कि ये बिल्कुल एंडिंग वाली सिचुएशन में आ गई है या इसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, कभी तो बहुत बर्डन लेगी ये थर्ड पार्टी, कभी तो पैसों का बड़ा इशू आ जाएगा, और कभी तो अपने ही सीक्रेट्स को जानकर या अपने सीक्रेट्सों के बारे में सोच समझ कर ये परेशान होने लगती है। मतलब इसकी जिंदगी में उलट पुलट होने लगती है, थोड़े ही समय में मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं। देर रात थर्ड पार्टी जाग जाग कर अपने जीवन के कुछ पल गिन रही है, जैसे मानो इसके अंतिम पल चल रहे हों, और अंतिम पलों को ये सोच सोच कर यादों में खो रही है। इसने ये मान लिया है कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता, इसका कर्मा आ गया है और इसको ये डेथ वाली सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। तो ये अपने अंतिम पलों को याद कर करके परेशान हुए चली जा रही है। इसके अंतिम पल इसको बहुत बेचैन कर रहे हैं, इसको ऐसा इसने थर्ड पार्टी ने ऐसा दिमाग में मान ही लिया है कि थर्ड पार्टी अब नहीं बचने वाली, थर्ड पार्टी का अब अंतिम पल आ चुका है, भगवान की तरफ से न्याय हो चुका है, जस्टिस हो चुका है यूनिवर्स की तरफ से कि इसको इसका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। जो थर्ड पार्टी तमाशे पे तमाशे करती थी, आज वो खुद एक ऐसे तमाशे में फंस गई है कि जहां पर उसको डेथ की सिचुएशन नजर आ रही है, जहां पर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जहां पर उसने अपने कंधों पर बोझ सहन करना सीख लिया है, उसको ये लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी बदलते बदलते मैं खत्म हो जाऊंगी, मैंने जो पाप किए हैं अब मुझे उस पाप का भुगतान करना ही पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर ये चीज हैंडल करनी ही पड़ेगी। तो थर्ड पार्टी हार चुकी है अपने दिमाग से, दिमाग की सोच ही उसकी ऐसी हो गई है कि थर्ड पार्टी को अब यहां से कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। अफसोस में है डियर थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा अफसोस में मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा इसके जीवन में सिचुएशन खराब चल रही है। और डियर थर्ड पार्टी अभी रिश्ते नाते सब कुछ बिगड़ता हुआ देख रही है, थर्ड पार्टी की फैमिली ने रिश्ते नाते तोड़ दिए, थर्ड पार्टी के जीवन से कुछ उसके फ्रेंड्स लोगों ने रिश्ते नाते तोड़ दिए, और आपका पार्टनर तो इसका हुआ ही नहीं, आपके पार्टनर को पाने की हर एक मुमकिन कोशिश इस थर्ड पार्टी के जीवन का एक अधूरा सपना बन के रह गई है। आपके पार्टनर के पीछे भागती रही लेकिन हासिल नहीं कर पाई, आखिरकार इसको ये डेथ वाली सिचुएशन का सामना करना ही पड़ गया। थर्ड पार्टी की भी पोल खुल गई है डियर सबके सामने कि ये थर्ड पार्टी के जो संबंध थे वो किसी भी एंगल से अच्छे नहीं थे, किसी भी एंगल से ये थर्ड पार्टी अच्छी नहीं थी, ये थर्ड पार्टी लोगों पर नजर रखती थी, थर्ड पार्टी लोगों का फायदा उठाती थी, थर्ड पार्टी किसी को समझ ही नहीं पाई। तो इस बात से थर्ड पार्टी जो है थोड़ा सा अपने हाल को देख रही है, अपनी बदनामी सुन नहीं पा रही है, और इस हाल में थर्ड पार्टी अपनी जीने की उम्मीद छोड़ रही है। कर्मों का दर्द है, जीने नहीं दे रहा जो इसे वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस थर्ड पार्टी का हाल बेहाल है। और डियर थर्ड पार्टी दिल से अभी रिग्रेट फील कर रही है, थर्ड पार्टी दिल से तड़प रही है। और डियर ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर एक तरह से दिल की गहराइयों में दफन
कर रही है अपने जज्बातों को, जो इसके जज्बात थे, जो इसके इमोशंस थे, जो इसकी फीलिंग्स थी, वो सब थर्ड पार्टी दफन कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी दफन कर रही है एक तरह से सारे जज्बातों को, सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को, सब कुछ ये थर्ड पार्टी दफन कर रही है। इसके इरादे बिल्कुल भी ऐसे हो चुके हैं कि अब एक पल भी ये किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती है। धोखा इसे मिला है, दूसरों पर इसने जो ट्रस्ट किया था और उन लोगों ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, उन लोगों ने इसके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन लाके पटक दी है, एक ऐसे हालात लाके पटक दिए, उस दर्द और धोखे से सारी इनकी सारी लाइफ हिलके रह गई है, ये दिखाई दे रहा है। हालात की मारी थर्ड पार्टी का गुरूर टूट रहा है, इसको मुंह की खानी पड़ी है, इसके जीवन में बहुत परेशानी आ गई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और डियर देखिए, देखिए थर्ड पार्टी जो है ना, हाल बेहाल दिखाई दे रहा है, हालातों ने तोड़ दिया है थर्ड पार्टी को, बेचैन हो रही है ये थर्ड पार्टी। कार्मिक रिश्ते टूट जाएंगे डियर, कार्मिक रिश्ते जो हैं वो टूट जाएंगे और डियर बहुत कुछ बदल जाएगा। थर्ड पार्टी के घमंड, थर्ड पार्टी का अधिकार, थर्ड पार्टी की चीजें, बहुत कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते के लिए गलत इरादे रख रही थी, थर्ड पार्टी आपके रिश्तों में बेरुखी ला रही थी। आज जिसके जिंदगी में जिसने भी इतने सारे गलत डिसीजन लिए हैं वो इसका कर्मा है। हर यानी इसके जीव इसके लाइफ में बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज खींच दी गई है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स इसके जीवन में आ गई है। दर्द और घुटन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में। थर्ड पार्टी मजबूर हो चुकी है, थर्ड पार्टी धोखे पे धोखा खाती जा रही है, धोखे पे धोखा, परेशानी इसके जीवन में बढ़ रही है डियर। तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है खुद को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रही है। जो धोखा इस थर्ड पार्टी को मिला है उसके बाद थर्ड पार्टी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है। दर्द तो इससे मिला ही है, गलती तो इसने कर ही दी है। थर्ड पार्टी के इरादे, उसका अगला कदम बहुत बहुत खतरनाक था और डियर अब इसने अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लिया है, क्योंकि इसे पता है कि कर्मा के आगे नहीं लड़ सकती है और डियर ये अब ऐसा मान चुकी है कि इसका हाल खत्म ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि इसके इरादे अच्छे नहीं थे, इसकी सोच अच्छी नहीं थी, वो सोचकर ये थर्ड पार्टी परेशान हो रही है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी परेशान हो रही है और बहुत दर्द में है डियर, थर्ड पार्टी बहुत तकलीफ में है। इसका एक्शन ये है कि ये अभी अपने आप को अपना इरादा बना चुकी है कि अब इसको क्या करना है। हाल बेहाल है पूरी तरह से, मुझे दिख रहा है कि इसका हाल बेहाल है। ओके, दर्द मिला है डियर, तभी तो ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी बिलख रही है, तभी तो थर्ड पार्टी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ गए, तभी तो थर्ड पार्टी जो है परेशान हो रही है। और थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीजें याद आ रही है कि इसने लोगों के जीवन में कैसा किया था। तो बुरा कर्मा करने की बुरी सजा भी इसको मिल गई है। अब अपनी एनर्जी में इतनी सीक्रेट हो गई है ये थर्ड पार्टी, अपनी तकलीफों में इतनी कहीं ना कहीं खो गई है कि इसको वो डेथ का कार्ड बार बार नजर आ रहा है। और डियर इसने ये समझ लिया है कि ये डेथ वाली सिचुएशन अब इसके सामने आ ही गई है, ये उन बुरी सिचुएशनों से नहीं बच पाएगी, इसके कर्म इसको इसकी सजा देके रहेंगे। तो ये थर्ड पार्टी अपना डेथ का कार्ड देखकर परेशान हो रही है। ओके डियर, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी आपने देखी कि थर्ड पार्टी क्या है, क्या सोच रही है, क्यों दुखी है, क्योंकि दुख का कारण यही है कि इसके साथ में लोगों ने कर दिया है धोखा, लोग इसको दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से तकलीफ और डियर ये उलझती चली जा रही है। किसी ने इसके प्यार का मजाक बना दिया है, जो ये मैनिफेस्ट कर रही थी उसके सारे मैनिफेस्टेशन उलट पुलट हो गए हैं। जो ये चाह रही थी आपके जीवन में करना वो तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि और इसके लिए डेथ का द्वार खुल गया है और इसके लिए सिचुएशन भारी हो गई है। तो थर्ड पार्टी के लिए खुला नर्क का द्वार एक तरह और डेथ की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और बर्ड
बर्डन इसको लेना पड़ रहा है, बहुत बर्डन ले रही है ये थर्ड पार्टी, हर हाल में तकलीफ और दर्द में दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। ओके डियर, तो ये है थर्ड पार्टी के जज्बात जिसको लेकर वो थर्ड पार्टी परेशान हो रही थी। थर्ड पार्टी के जीवन में बहुत टावर आ रहा था, बार बार उलझने आ रही थी, बहुत बार बार दिक्कतें आ रही थी। खुशी के पल 2 दिन रहते हैं और चौथे दिन फिर थर्ड पार्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये इसका कर्मा है, ये चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इसको दर्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो डियर ये है थर्ड पार्टी का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करा हो उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और अभी आप मुझसे बुकिंग करा सकते हैं, है ना, अपना नंबर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी रिमूव करने के जो रिचुअल किए हैं उसके इफेक्ट आपको सामने दिख रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।